श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल भक्ति भजन प्रोडक्शन में स्वागत है। मैं विजेंद्र आज आपके लिए एक और नई कथा लेके आया हूँ। जो लोग मांस खाते हैं, मांस भक्षण करते हैं, उनकी क्या दशा होती है, तो इस बारे में एक कहानी कल्याण में आई। ये कल्याण पुस्तक की कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। महात्मा श्री संत दास बाबा जी ने कहा था कि कई वर्षों पहले की बात है, कलकत्ता हाई कोर्ट के एक सुप्रसिद्ध न्यायाधीश परलोकवासी हो गए, उनकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि जब वो जीवित थे तब उनके भोजन में प्रतिदिन दो मुर्गियों की आवश्यकता होती थी। रोज़ दो मुर्गियों को मारकर वो खाते थे। वो न्यायाधीश महोदय मरकर प्रेत बन गए और प्रेत बनकर बड़े ही नरक में भोग भोगने लगे। बड़ा ही कष्ट उन्हें होता था। उस प्रेतात्मा ने सहायता पाने के लिए बहुत से आत्मीय स्वजनों के सामने प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिए, लेकिन प्रेत से सब डर गए, सब घबरा गए कि ये कौन सामने आ गया। और जब सब डर गए तो वो प्रेत भी अपना दुखड़ा अपने परिवार वालों को नहीं सुना सका। अंत में एक धर्मप्राण सज्जन व्यक्ति के सामने वो प्रेत प्रकट हुआ और उन्होंने अपनी क्लेश कहानी सुनाई कि मैं प्रतिदिन मांस भक्षण करता था और अब मैं बड़े भारी क्लेश में हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है मानो सैकड़ों बिच्छू एक साथ काट रहे हो, ऐसी असह्य यातना मैं भोग रहा हूँ। दारुण प्यास के कारण मेरे प्राण छटपटाते रहते हैं, लेकिन मुझको पीने के लिए पानी नहीं देते, खून देते हैं। खून दिया जाता है कि ले तू खून पी, मेरे नाम पर यदि कोई गया जी में पिंड दान कर दे तो मेरी यातना मिट सकती है। अब उस सज्जन पुरुष ने उस न्यायाधीश के नाम पर गया जी में जाकर पिंड दिलवाया, पिंड दान कराया। बाद में ज्ञात हुआ, पता चला कि उसकी यातना शांत हो गई। यद्यपि वे अपने क्षेत्र में न्यायमूर्ति और धर्माधीश के नाम से प्रसिद्ध थे, उसके बाद भी यहाँ का प्रतिष्ठित व्यक्ति होने के कारण कोई परलोक में नरक भोग से बच जाएगा ऐसा मानना भ्रम है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल तो आपको मिलेगा। इन बेजुबान जानवरों ने आपका बिगाड़ा क्या है जो आप इन्हें खाते हो। समस्त न्याय के अधिष्ठाता सर्व अंतर्यामी परमात्मा, उसका विधान सबके लिए बराबर है। चाहे वो धरती पर कितना ही गुणी हो, कितना ही अवगुणी हो, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। उसकी दृष्टि में छोटे बड़े, धनी निर्धन, पंडित मूर्ख आदि सभी के प्रति कोई भेदभाव नहीं है। रामायण में भी आया है, सब पर मोरी बराबरी दाया। और उन प्राणियों के कर्मों का परिणाम शुद्ध न्याय के द्वारा होता है। और प्राणी का भावी जन्म या नरक स्वर्ग आदि की व्यवस्था उनके अपने कर्मों के आधार पर ही होती है। तो देखिए, जैसा आप कर्म करोगे वैसा फल मिल जाएगा। इस कथा से हमें क्या पता चलता है कि अगर हम मांस भक्षण करते हैं तो हम नरक जाने के अधिकारी हैं, क्योंकि हमने उनको मार दिया है जिन्होंने किसी को कभी कोई परेशानी नहीं दी। इस कथा से हमें बड़ी सीख मिलती है। तो ये कल्याण पुस्तक में कथा आई, मैं आप तक लाया। आगे भी कुछ कथा कहानियाँ प्रसंग किससे आप तक लाता रहूँगा। आज के प्रसंग को यहीं विराम। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो आप इन्हें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। जय जय श्री राधे।